आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के अरुणाचल दौरे पर गए हुए हैं और चीन को इस बात से मिर्ची लग गई। उसने आपत्ति जताई, जिस पर शाह ने चीन पर पलटवार करते हुए कहा, भारत की 1 इंच भूमि पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। उनके इस बयान पर पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अरुणाचल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोई भी भारत की सीमा के 1 इंच पर भी अतिक्रमण नहीं कर सकता या बुरी नजर नहीं डाल सकता, लेकिन चीन ने ऐसा कर दिया है। सिब्बल ने दावा किया कि चीन भारत की सीमा का अतिक्रमण कर चुका है और बुरी नजर डाल भी चुका है। सिब्बल ने पूछा, चीन पर शब्दों से वार करने के अलावा आप उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? आप देश को ये बात बताने की कृपा करें। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आई सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहाँ पर उपस्थित है। चीन भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा बताने की कोशिश करता है। चीन की इसी विस्तारवादी नीति की वजह से उसका भारत समेत बाकी पड़ोसी देशों से भी सीमा विवाद चल रहा है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।